हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और इसमें टैग में देख ही लिया होगा, आज हम ऑस्कर फिश के बारे में बात करेंगे। ऑस्कर फिश की ग्रोथ कितनी ज़्यादा जल्दी होती है और कैसे होती है, इसके बाद मेन मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इनकी फिल्ट्रेशन, इनके क्योर, इनको कैसे करना चाहिए, इनकी देखभाल कैसे रखें। वेलकम टू माई चैनल आशा पेट केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने 3 ऑस्कर फिश रखी है, मैंने 4 रखी थी फिलहाल। एक जो उसमें वाइट ऑस्कर फिश थी वो मर गई, जो शुरू में ही मर गई थी, वो 1 या 2 वीक के अंदर में ही वो मर गई थी। और जो आप ये मेरी देख रही हैं, मैं बेबी साइज़ के लेकर के आया था इनको, ऑस्कर फिश को, और मैंने इनको 3x2x1 फिट के टैंक में मैंने रख रखा है, काफ़ी अच्छा स्पेस है अंदर, यानी कि आप 100 लीटर वाटर में कैपेसिटी का है इसका टैंक। जो ये टैंक है 100 लीटर का आसपास पानी आ जाता है इसके अंदर। अगर मैं टॉप टू टॉप फुल करूँगा तो वो 120 लीटर पानी इसके अंदर आराम से आएगा। जो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर डबल फिल्टर लगा रखा है, यानी इनको ऑक्सीजन अच्छी चाहिए, इनको फिल्ट्रेशन अच्छा चाहिए, इनको फूड फूड क्वालिटी अच्छी चाहिए, इनको वाटर क्वालिटी अच्छी चाहिए, यानी कि ओवरऑल आप मान सकते हैं कि पूरी की पूरी इनको जो चाहिए इनको अच्छी क्वालिटी में आप रखेंगे, यानी कि प्रॉपर केयर करेंगे, ये आपकी काफ़ी अच्छी चलेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने अभी ये रख रखी है, आप 3 फिशेज देख सकते हैं, इसमें एक सिल्वर वाली, कॉपर वाली देख सकते हैं, इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी ग्रोथ हुई है दोनों से। ये फिलहाल थोड़ी इनसे थोड़ी सी बड़ी थी, जो मेरा आप थर्ड पेयर देख रहे होंगे टाइगर ऑस्कर का, जो थोड़ी पीछे की तरफ है वो वाली, ये जो फिल्टर के साथ है, मैं इतनी ही इससे थोड़ा सा छोटा लेकर के आया था, और मैंने इनको ज़्यादा महंगी नहीं लेकर के आया था, मैंने याद नहीं मेरे को, मेरे ख्याल से मैं इनको 200 या 250 रुपये पेयर के हिसाब से लेकर के आया था, काफ़ी अच्छी। और ये जब मैं लेकर गया था, मैंने इनको 2 दिन क्वारंटीन में रखा था कि कोई इनमें फंगल वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, और ये थोड़ी जो इनका पेट था, बैली था, वो कम था, यानी कि आप कह सकते कि वो श्रिंक हो रखा था, यानी इन्होंने फूड कंज्यूम बहुत ना के बराबर ही कर रखा था। और अब देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी, जो मेरी बड़ी वाली है वो 1 फीट के आसपास है, जो दूसरी वाली है वो 8 से 9 इंच के आसपास की, जो छोटी वाली है वो 6 to 5 इंच, यानी 6 to 7 इंच के आसपास, 5 से 7 इंच के आसपास की ऑस्कर फिश है। थोड़ी सी ऑस्कर फिश को चोट लग रही है, हम फिलहाल उसके बारे में बाद में टॉपिक में देखेंगे, दूसरा टॉपिक मैंने बना रखा है, आप उसमें जा करके देख लीजिएगा। और इसके कम्युनिटी टैंक में आप देख सकते हैं कि मैंने इनमें चिकलेट फिश की वैरायटी रखी हुई है, जो स्वीमर है, यानी पैरेट फिश, और मैंने इसमें शॉर्ट बॉडी फ्लावर, उनका भी एक बेबी डाल रखा था। मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर एक शिवराम फिश भी डालूँ, एक पेयर शिवराम फिश का जरूर डाल के चेक करूँगा कि इसमें कैसे चलती है। वैसे तो उम्मीद है कि शिवराम फिश उनको बढ़िया साइज़ का ही लेकर के आना पड़ेगा, अगर मैं बेबी साइज़ का डालता हूँ तो ये जो ऑस्कर फिश वगैरह हैं, ऑस्कर और पैरेट है मेरी, जो ये थोड़ी एग्रेसिव हो गई हैं अब, क्योंकि इनका नेचर ही थोड़ा एग्रेसिव उनका है, ये डॉग बाइट फिश होती है, अगर इन्होंने एक बार उसको पकड़ लिया तो समझो कि शिवराम फिश गई, अगर बेबी साइज़ हुआ तो। और नॉर्मली साइज़ अगर मैं बड़ा लेकर के आता हूँ तो वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि नहीं लेकर के आऊँ, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। जैसे मेरे पास पहले पहले टैंक जो मैंने पहले रखी थी, और वो जो डेथ हो गई, जिनकी जो मर गई मेरी पहले वाली, अगर वो मरती नहीं तो अभी अच्छा खासा साइज़ उनका होता और वो ब्रीडिंग पेयर बन चुका होता अब तक, क्योंकि मैं 4 फिशेज थी वो, एक वो मर गई थी, उसमें भी 3 फिशेज बची थी मेरी शिवराम फिश की। लेकिन हम अपनी ऑस्कर फिश पाते हैं कि ऑस्कर फिश की कंडीशन देख सकते हैं आपको कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। टाइगर ऑस्कर का भी कलर काफ़ी अच्छा निकल गया है। आप मैं इनको वो हर 15 दिन में एक बार नॉनवेज फीड करवाता हूँ, और हर 2 दिन हुए हैं एक श्रिम्प, और हर वीक में एवरी संडे या मंडे के आसपास मैं इनको बॉयल एग जरूर देता हूँ। बॉयल एग मैं खुद ही बॉयल करता हूँ, उसको फैटा करके अंदर का जो एग वाइट होता है, एग योग होता है जो अंदर का येलो वाला, उसको फैटा करके कटोरी में निकाल करके उसको स्टीम कर लेता हूँ प्रॉपर। उससे ये होता है कि जो अंदर पानी के अंदर जो घुलता नहीं है वो पानी आपका गंदा नहीं होगा, और आपको आपके फिशेज़ को अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल जाएगा और काब्ज़ भी मिल जाएंगे, आपके फिशेज़ को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो फिशेज़ को मैं पैलेट देता हूँ, जो दाने देता हूँ, उसके अंदर मैं लहसुन का जो वाटर होता है, पानी होता है, लहसुन घिस करके उसमें थोड़ा सा लहसुन कर लेता हूँ, क्योंकि उनके फिश की जो पेट का जो स्टमक में जो गैस वगैरह कुछ भी बनी होगी, अनडाइजेस्टिव फूड, कुछ भी जो ख़राब फूड होगा उसके पेट में, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपकी फिश अच्छी रहेगी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसकी जो वाटर क्वालिटी देख सकते हैं आप कि क्रिस्टल क्लियर है और कुछ भी ज़्यादा गंदगी नहीं है। वीक में मैं एक बार पानी ज़रूर चेंज करता हूँ, और आपके पास ज़्यादा अच्छा खासा पानी का सिस्टम है तो आप हर 2 दिन में इसका थोड़ा सा 10% पानी ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। मेरे इधर जो पानी एक दिन गैप लेकर के आता है, तो मैं इसमें वीक इन हर वीक, यानी मंडे टू मंडे मैं इसको पानी चेंज करता हूँ,
और इसका जो वाटर क्वालिटी है आप देख सकते हैं, और जो नीचे का ग्रेवल है उसको ज़रूर क्लीन करिएगा जो सक्शन पंप होता है उससे। वीडियो में कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए।